हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं 15 अगस्त स्पेशल एडिटिंग। जैसे ही आपको पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, तो आज की एडिटिंग उसी के ऊपर होने वाली है। और इसमें मैं जो भी बैकग्राउंड PNG यूज़ करूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं हम सीधा अपने पिक्स आर्ट की तरफ। तो गाइस, ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं अपने पिक्सार्ट में। पिक्सार्ट में जाने के बाद गाइज, अपने को यहाँ पे ले लेना है अपना बैकग्राउंड, जो कि हमारा बैकग्राउंड ये रहा। गाइज, ये बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये बैकग्राउंड मैंने खुद से मॉडिफाई किया है। फिर चलते हैं हम अपना ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पे अपने को लेके आ जाना है अपना फोटो। ये फोटो लाने के बाद यहाँ पे हम इसको बराबर से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमें करना है इसका बैकग्राउंड रिमूव। देखिए, फोटो यहाँ पे बराबर से एडजस्ट हो गया है। अभी हमें सिंपली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। तो चलिए, मैं इसका फटाफट से बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये एकदम हो गया परफेक्ट। यहाँ पे एकदम ये ऑसम लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम जाएंगे, एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद यहाँ पे हम लेके आएंगे एक फ्लैग का PNG। ये देखिए, ये फ्लैग का PNG भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर लेना। ये सिंपली यहाँ पे हमारा PNG भी लग गया है। अभी जहाँ पे एरिया बाहर आ रहा है, उसको हम इरेज कर देंगे। इसके पहले ओपेसिटी को थोड़ा कम करते हैं। ये देखिए गाइस, अभी एकदम ऑसम लुक आ रहा है इसके अंदर। अभी हमारे बाल थोड़े से ऐसा लग रहा है कि जिसे फेक है, मतलब कटिंग किया हुआ लग रहा है अभी ये। तो हम इसे बाल को जाएंगे स्केच बुक के अंदर, बाल अपने बनाएंगे। ये अभी हमारा यहाँ पर काम इतना ही था, ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हम इसको फ़ोटो को सेव कर लेंगे और चलेंगे अपना सीधा स्केच बुक के अंदर। और यहाँ से हम बनाएंगे अपना यहाँ से हम अपने बाल को करेंगे। अभी अपने को यहाँ पर बाल अपना कैसा सेट पर हमें ये थर्ड वाले ऑप्शन में जाना है और ये स्मज ब्रश में अपना ये थर्ड वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। अब इसकी सेटिंग आपको क्या रखनी है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, स्ट्रेंथ को रखना है 25, फ्लो 21 और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साइज में थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इसका। सिंपली यहाँ से हम ये बालों को ऐसा इस तरीके से बना देंगे, जो हमारे बाल में फेक लुक आ रहा है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में आपके बाल होंगे वहीं पे इसको ब्रश को चलाना है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको अपने बालों को सेट करना है।
ये देखिए गाइस हमारे बाल हो गए हैं एकदम परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा सा इसमें काम रह गया है, इसको हम भी इसको भी बराबर कर लेते हैं। ये देखिए अभी बाल हमारे यहाँ पे परफेक्ट हो गए हैं। अब सीधे जाएंगे इसको सेव कर लेंगे, ये सेव टू डिवाइस कर लेंगे। अब चलेंगे हम अपना सीधा लाइट रूम के अंदर। आ गए हम अपने लाइट रूम के अंदर, यहाँ से हम अपने फ़ोटो को लेंगे, यहाँ से हम अपने फ़ोटो को लाइट रूम के अंदर ऐड कर लेंगे। ये फ़ोटो हमारा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर करेंगे हम इसकी कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसका एक्सपोजर -10 करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है तो कॉन्ट्रास्ट को +8 कर देंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे ये -10, शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ये इसको 16 कर देंगे, वाइट को हल्का सा बढ़ा देंगे, ब्लैक को हल्का सा कम कर देंगे। अब चलते हैं कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में जाने का ये ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को थोड़ा सा हम कम करेंगे, इसकी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे कि हमारे फेस पे थोड़ी ब्राइटनेस आए। फिर येलो कलर सेलेक्ट करेंगे, येलो कलर की सेचुरेशन को हम इस तरीके से थोड़ा बढ़ा देंगे और ये ग्रीन कलर की ह्यू को हम इसे -100 कर देंगे, सेचुरेशन को भी इसकी कम कर देंगे। और ये ब्लू कलर को हम लेके जाएंगे अपना ह्यू अपना ये 30 के आसपास रख देंगे, 32 बहुत है। ये गाइस हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है यहाँ पर। अब हम ये वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, हाँ वाइब्रेंस को ये 40-50 के आसपास कर देंगे। अब चलेंगे हम यहाँ टेक्सचर में, टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लियरिटी को थोड़ा सा इसे यहाँ पर माइनस में करेंगे, डीहेस को बढ़ा देंगे और विग्नेट को ऐसे थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर हम इसके अंदर शार्पनेस डालेंगे फ़ोटो के अंदर, हमारी फ़ोटो एकदम शार्प दिखे। फिर नॉइस रिड्यूशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कलर नॉइस रिड्यूशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ पर हो गई एकदम परफेक्ट। अभी देखिए बिफोर या आफ्टर, बिफोर बिफोर मतलब पहले हमारी फ़ोटो फीकी फीकी थी, अभी हमारी फ़ोटो के अंदर कलर पॉप आउट होके आ रहे हैं। अभी देखिए एकदम परफेक्ट एडिटिंग हो चुकी है हमारी। गाइस कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।